हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि एडसेंस हमें पिन भेजता था, लेकिन अब हमें डायरेक्ट ऑनलाइन ही वहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तो अभी इसी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे और हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि आजकल फ्रॉड गिरी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। जैसे कि लोग एडसेंस का अकाउंट बनाते थे और उन्हें सेल करते थे, तो एडसेंस ने ऐसे चेंज करने के लिए कि मतलब किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग ना हो इस खाते का, तो इसलिए इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को स्टार्ट किया है, जो कि हमें पिन भेजकर नहीं बल्कि यही एडसेंस हमारे अकाउंट में ही हमें वहीं पर हमारे कुछ आईडी, मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट, जो कि जिस नेशनलिटी, मतलब जो जिस राष्ट्रीयता प्राप्त है, उस डॉक्यूमेंट को हमें वहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद ही हमारा एडसेंस वेरिफिकेशन होता है। तो मैं आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि आपको किस तरीके से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है और इसकी क्या क्या स्टेप है। मैं अभी आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको यहां पर वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने मेरे एडसेंस में मुझे पिन वेरिफिकेशन करना होगा, तो इसके लिए मुझे आइडेंटिटी से देना होगा। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ मेरे एडसेंस अकाउंट पर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टाइम वीडियो लंबी ना, इसलिए मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। यहाँ पर बस मुझे एडसेंस टाइप करना है। ये देखिए, एडसेंस की साइट ओपन हो चुकी। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करूँगा, लेकिन ये डायरेक्ट साइन इन हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी गूगल में साइन इन किया हुआ है। तो ये यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। ये देखिए, हमारा एडसेंस का जो होम पेज है वो ओपन हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ गया है। इससे पहले मेरे पास मैसेज नहीं था क्योंकि मेरे पास $10 से कम थे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ मैसेज आ गया है, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट, ठीक है। इस एक्शन बटन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ ओपन होने वाला है, हम देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स, मतलब आपका पैसा प्राप्त करने के लिए अपनी इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए, मतलब आइडेंटिटी से वेरीफाई कीजिए। तो हम वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो भी आइडेंटिटी आप दें वो मतलब गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उस आईडी को, और उस पर लगी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं होनी चाहिए, इससे कि मतलब जो वेरीफाई करने में मतलब वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अक्सर यहाँ की वेरीफाई कैंसिल की जाती, मतलब फेल्ड कर दी जाती है, कई लोग अपनी फ़ोटो क्लियर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी आईडी दें उसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो और उसमें आपका एड्रेस सही हो। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो आप आईडी दे रहे हैं वही आईडी का जो एड्रेस और नाम है वो आपके इस एडसेंस अकाउंट से मैच खाना चाहिए, ठीक है। आपके एडसेंस अकाउंट से उसे मैच होना ज़रूरी है, नहीं तो उसे भी ये मतलब वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और आपका मतलब एडसेंस सस्पेंड भी कर दिया जाए या आपका खाता सस्पेंड कर दिया जाता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हम यहाँ पर अपलोड करते हैं हमारी आईडी। हमारी आईडी रखी होगी आधार नाम से, ये देखिए ये रखा है, इसे हमने ओपन किया, ये देखिए ओपन हो रहा है, मतलब वहाँ पर अपलोड हो रहा है। वो तो देखते हैं आगे क्या करने के लिए हमें बताया जाता है। ये देखिए, हमारा आधार यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर और भी कुछ प्रोसेस करनी होती है तो हम यहाँ नीचे जाएंगे। ये देखिए, जहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारी आईडी में बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंफर्म इन्फॉर्मेशन, यानी आपने जो जानकारी दी है और आपकी जो आईडी वगैरह आपने सबमिट की है, अपलोड की है, वो सही है, तो यहाँ पर कन्फर्म कीजिए।
मैंने किया है कंफर्म, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट पर हमें क्लिक करना है। देखिए अब हमने यहाँ पर सबमिट तो कर दिया है, लेकिन ये जो निशान है ये अभी हटाना ही है, और ये कब हटेगा मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ ही समय में हमारे पास एक मेल आ जाएगा, तो मैं आगे का वीडियो उस मेल के बाद बनाऊंगा, तो अभी मैं वीडियो को बंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने, जब तक आपके पास $10 नहीं होते इस तरीके का कोई भी एक्शन बटन आपको नहीं दिया जाता है, $10 के ऊपर होने पर ही आपको इस तरीके का एक्शन बटन दिया जाता है। उसके बाद आप जो नया सिस्टम कर दिया आपने, देखा कि जो वेरीफाई करना होता है वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर किया जाता है, यानी अपलोड करने के बाद ही हमें वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखें, आप अपना जो भी आधार कार्ड दें तो उसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आप उसकी मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो आपका मोबाइल जो फ्लैश है उसे बंद रखना, क्योंकि जो उसकी रोशनी होती है वो हमारी फ़ोटो पर पड़ती है, तो जिससे कि एडसेंस का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल्ड कर दिया जाता है। अधिकतर 90% इसी मामले होते हैं जो कि फ़ोटो के चक्कर में आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिए, और अपना जो भी आईडी दे उसकी फ़ोटो बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि वहाँ पर आप जो ऊपर नोटिस है वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपका जो छायाचित्र है उस पर किसी प्रकार की रोशनी या चमक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा खाता निलंबित किया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप भी वहाँ पर जाकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आज आपको देनी थी, और जैसा कि मेरे अभी जो मैंने बताया कि मेरा जो मेल आएगा, अब देखते हैं मेरा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। जैसा भी होगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाय।